बीटेक फेल वाला रोड साइड स्ट्रीट फूड मटन पचोली बिरयानी। जबलपुर में मुन्ना नानी कन्ना कहकर तीन दोस्त रहते थे। कन्ना और नानी दोनों बीटेक पास हो गए थे, लेकिन मुन्ना तो फेल हो गया था। कन्ना और नानी दोनों मुन्ना के घर आए। तब कन्ना, अरे मुन्ना चलो रे, हम दोनों बीटेक पास हो गए हैं ना, चलो पार्टी देते हैं, कहा। तब मुन्ना, अरे पहले तुम लोग इधर से दफा हो जाओ, मेरा बापू देखेगा तो मुझे मामूली सा नहीं डांटेगा, जाओ रे जाओ जल्दी, कह रहा था तभी उसका पिता उधर आया। मुन्ना के दोस्तों को देखकर उसका पिताजी, क्यों रे आप भी फेल हो गए हो क्या इस नमूने के जैसे, और क्या करेंगे अब, तीनों मिलकर भीख मांगिए सड़क पर गिरकर, पढ़ाई करो कहने से मेरे बात सुनते ही नहीं थे, कह रहा था तब कन्ना, अंकल हम दोनों तो पास हो गए हैं, हमें बैंगलोर में सॉफ्टवेयर कंपनी में भी जॉब मिला है, हम दोनों उधर जा रहे हैं, इसलिए मुन्ना को पार्टी देने के लिए आए हैं, कहा। तब मुन्ना का पिता, ओके, अरे मुन्ना कम से कम इनको देखकर शर्म तो करो, जाकर उनके साथ पार्टी करो, तब सब लोग तुमको ही डांटेंगे, कम से कम तब तुम्हें बुद्धि आकर इस बार पास हो गए शायद, कहकर डांट कर भेज दिया। तीनों मिलकर बाइक के ऊपर एक बिरयानी होटल में गए, उधर बिरयानी ऑर्डर दिए थे। मुन्ना बिरयानी खाते हुए, मुन्ना क्यों रे पार्टी कहकर ऐसे बकवास होटल में लाकर आए हो, बिरयानी बहुत घटिया है, थोड़ा रायता पूछो, कम से कम वो मिलाकर खाऊंगा, कह रहा था तभी उस होटल का ओनर विक्की उधर से जाते हुए सुन लिया। तब विक्की, है क्या कह रहे हो रे, हमारे होटल में बिरयानी घटिया है, मर्यादा से खा के इधर से फुट जाओ नहीं तो हड्डियां तोड़ देता हूँ, कहा। तब कन्ना, भैया सॉरी, हमारा दोस्त जाने अनजाने में ऐसे कह दिया, थोड़ा रायता है तो दीजिए, पूछा। तब विक्की, रायता नहीं गीता नहीं कुछ भी नहीं, इधर से दफा हो जाओ, कहकर उनको उधर से उठाकर लात मारते हुए बाहर फेंक दिया। तब कन्ना, क्या रे मुन्ना ऐसा क्यों कर दिया, कहा। तब मुन्ना, अरे सच में उसका बिरयानी बहुत घटिया है, अब देखते रहो, मैं ही खुद इसके होटल के सामने और एक होटल खोलकर उससे भी स्वादिष्ट बिरयानी बनाकर खिलाता हूँ, उस झटके से उस विक्की कमीना को होटल बंद करना पड़ेगा, कहा। तब हंसकर कन्ना, अरे असल में तुम बीटेक फेल हो गए हो, तुम्हारा बाप तो तुम्हें हर रोज नया नया गाली देता है, तुम कैसे बिरयानी होटल को शुरू करोगे, कहा। तब मुन्ना ने सर झुकाया। तब नानी, अरे मुन्ना तुम चिंता मत करो, ये लो मेरे गले में ये हार ले लो, इसे तुम कुछ ना कुछ शुरू करो, तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, कहा। तब मुन्ना नानी के पास गोल्ड चेन लेकर उसे बेचकर मिले पैसों से रोड साइड एक होटल शुरू किया, उसको बीटेक फेल वाला रोड साइड बिरयानी होटल नाम रखा। उसका ओपनिंग का दिन नानी आया। तब नानी, क्यों रे मुन्ना रोड साइड में होटल लगाए हो, सब कुछ सही होगा ना, व्यापार ठीक से होगा ना, पूछा। तब मुन्ना, एक बार इस बीटेक फेल वाले का रोड साइड मटन पाचोली बिरयानी खाकर देखो यार, कहकर उसको मटन बोटी बिरयानी खिलाया। वो खाकर नानी, अरे मुन्ना इसका स्वाद तो बहुत बढ़िया है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकते हैं, देखते रहो तुम बहुत जल्द ही टॉप पोजीशन में चले जाओगे, कहकर मजे से खाने लगा। उस दिन से मुन्ना के बीटेक फेल वाला रोड साइड स्ट्रीट फूड के लिए अच्छा नाम आकर लोग क्यू में खड़े होकर खाने लगे। विक्की के होटल में कस्टमर्स जाना ही बंद हो गया था, ये देखकर विक्की, अरे उसने तो हमारा बिरयानी घटिया है कहा था ना, वो हमारा होटल के सामने ही और एक होटल रखा है, हमारा व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे भी उधर से उसे और उसका होटल को निकाल देना होगा, कहकर कुछ गुंडों को मुन्ना के पास भेजा। वे लोग मुन्ना के होटल पर हमला करने लगे। एक रौडी, अरे मुन्ना मर्यादा से तुम्हारा होटल को निकाल दो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे, कहा। ये सब उधर मटन पाचोली बिरयानी खा रहा ऐसे ने सुन लिया। तब ऐसे, क्यों रे गुंडे कही के बीटेक फेल होने से भी उसका खुद के कदमों पर व्यापार करने वाला आदमी को ही धमकी देते हो, कहकर उनको और विक्की को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। ऐसे मुन्ना दिन ब दिन मशहूर बनकर एक बड़ा सा होटल लगाकर शादी करके खुशी से जीने लगा।